ने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में नेताओं के कहने पर वो अंतरिम अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गई। मीटिंग में घंटों चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने जाने तक सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष रहेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी साल 1998 से 2017 तक पार्टी की कमान संभाल चुकी हैं। तो राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी को दिया गया है कमान। मीटिंग में घंटों की चर्चा के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। देखिए आप, सोनिया गांधी हैं, उनको ही अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद पार्टी में ये पद खाली था और अब जो है CWC की बैठक में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही बनाया गया है। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को यह अनुरोध किया कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें और अब कांग्रेस अध्यक्ष के अपने पद पर बने रहें। परंतु श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस अनुरोध को बड़ी विनम्रता और सादर से ठुकराते हुए ये उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु उनका यह मानना है कि जवाबदेही और जिम्मेवारी की पहली कड़ी उनसे शुरू होनी चाहिए। उनके इस आग्रह के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने एक स्वर से यह निर्णय लिया कि श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का इंटरिम पद संभालें जब तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में एक रेगुलर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। कांग्रेस कार्य समिति ने चिंता जताई कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से क्लैंप डाउन और न्यूज ब्लैकआउट की रिपोर्ट आ रही हैं, उनके बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। कांग्रेस कार्य समिति ने इस पर भी चिंता जताई कि जम्मू कश्मीर के सभी पार्टियों के राजनीतिक नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस कार्य समिति ने देश की सरकार से आग्रह किया कि वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हुए सभी विपक्षी दलों के एक साझा डेलीगेशन को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दें। देखिए, सोनिया गांधी को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद पर दे दिया गया है, उन्हें वो जिम्मेदारी संभाल ली है। अध्यक्ष पद पर मंथन हुआ काफी जोरों शोरों से और उसके बाद जो कांग्रेस की कमान है वो फाइनली फिलहाल के लिए तो सोनिया गांधी को ही दे दी गई है। और बात अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, जो 12 और 13 अगस्त को रूस दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी व्लादिवोस्तोक का दौरा करेंगे। इस दौरान रूस और यूपी के बीच 4 समझौते होंगे। कृषि फूड प्रोसेसिंग के एमओयू साइन होंगे। आपको बताएं, सीएम योगी के साथ 12 राज्यों के सीएम इस दौरे पर हैं। व्लादिवोस्तोक के दौरे पर 12 और 13 अगस्त को करेंगे दौरा। यूपी, गोवा, गुजरात, हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल भी साथ रहेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का यह रूस दौरा है, 12 राज्यों के सीएम भी रहेंगे साथ। सीएम योगी का यह महत्वपूर्ण दौरा, जहां काफी कुछ होने वाला है, जहां यूपी और गोवा का प्रतिनिधिमंडल भी साथ रहेगा, गुजरात हरियाणा का और यूपी गोवा का प्रतिनिधिमंडल। सीएम योगी आदित्यनाथ का रूस दौरा कल शाम निकले और अपने रूस दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई एमओयू साइन होने हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अक्सर ही जो निवेश है उसको बढ़ाने की कोशिश की है यूपी में, तो इसी क्रम में ये कदम है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रूस दौरा, जिसके तहत कई एमओयू साइन होंगे रूस और यूपी के बीच अभी। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए अनूप, रूस दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है आज और जो ये दौरा है उस पूरे दौरान? देखिए, बिल्कुल 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां पे वो 12 जो शासित जो केंद्रों के जो मुख्यमंत्री हैं केंद्र के, वहां उनके साथ जो है शामिल हैं और ये सीधे
यहाँ से जो है रूस जो है 2 दिन तक ये रुकेंगे और वहाँ पे जो ये तमाम जो समझौते होने हैं उसको लेके बैठक होने वाली है, उसके बाद जो है तमाम जो समझौते हैं उसको लेके जो है सरकार की तरफ से जो है जो MOU है वो साइन होने हैं, तो ऐसे में काफी अहम माना जा रहा है और 2 दिवसीय दौरे के दौरान जो है मुख्यमंत्री का इन तमाम जानकारियों के लिए अनुप, तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है ये सीएम योगी आदित्यनाथ का और देखना होगा कि क्या कुछ होता है इस दौरान। बहरहाल खबर नोएडा से जहां पर एक्शन में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी हैं। अपर मुख्य सचिव गृह का औचक निरीक्षण हुआ है, अवनीश अवस्थी ने सेक्टर 20 थाने का निरीक्षण किया है। नोएडा में एक्शन में अपर मुख्य सचिव SSP SPCT भी साथ में मौजूद रहे। अवनीश अवस्थी ने थाने का औचक निरीक्षण किया, सेक्टर 20 थाने का निरीक्षण किया, बिल्डिंग के खस्ता होने पर नाराजगी जताई, निर्माण कार्य को लेकर SSP से रिपोर्ट भी मांगी। देर रात अचानक सेक्टर 20 थाने पहुंचे थे। तो एक्शन में है अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दानिश हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए दानिश, अवनीश अवस्थी ने औचक निरीक्षण किया है, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ निर्देश दिए गए वहां पर? बिल्कुल, वाकई देर रात जो है अपर सचिव गए अवनीश अवस्थी थाने पहुंच गए, सेक्टर 20 थाने हड़कंप मच गया, पहली बार ऐसा मिला है कि हाँ सचिव गृह जो है थाने पहुंचे, अपर थाने पहुंचे, उन्होंने जो हवालात पैरक और साथ ही जो रजिस्टर होते हैं आगंतुकों का वो चेक किया, उनके क्राइम की रिपोर्ट थी वो ली, तो जो नई टीम वहां पर बनी हुई पुलिसकर्मियों के रहने के लिए उससे जर्जर हालत थे, पुलिस के ऊपर जो अफसरान थे उसके ऊपर वो नाराज हुए और साथ ही तुरंत आदेश दिए कि हाँ SSP को हाँ उसकी जांच करके रिपोर्ट तलब करी, कि जांच करके बताएं कि आखिर किसने निर्माण कराया और क्यों ये कमियां आ रही है, तो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं दिखे वो पुलिस की कार्य प्रणाली या फिर बिल्डिंग व्यवस्था को लेकर। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हाँ जिस तरीके से यहाँ पर हालात दिख रहे हैं वो सही संकेत नहीं है पुलिसिंग के लिए और पुलिस के आवासीय जो है जगह के लिए, क्योंकि नई बिल्डिंग बनी हुई है उसके बावजूद भी उसमें जो छत थी उसका प्लास्टर टूट रहा था उसको देखते नाराजगी जताई। और साफ है कि अव्यवस्था बहुत ज्यादा थी जिससे कहीं ना कहीं अवनीश अवस्थी काफी नाराज भी दिखे, और कम से कम इस तरह के जो औचक निरीक्षण होते हैं वो बहुत सही भी है दानिश। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि यहाँ जब बड़े अफसान रात में अगर अच्छा करते हैं तो उनको असलियत से पता चलता है कि आखिर क्या हो रहा है, पेट्रोलिंग कैसी हो रही है, रात में पुलिस के जो पेट्रोलिंग कार है वो सड़कों पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है, थाने में जो व्यवस्थाएं पीड़ित के लिए वो सही है कि नहीं है, रात में अगर पीड़ित थाने पहुंचता है तो उसकी शिकायतें सुनी जा रही है कि नहीं जा रही, तो अपने आप में एक अच्छा कदम है अपर मुख्य सचिव गृह का कि हाँ वो कम से कम थाने के अंदर पहुंचे। जिस तरीके से वो आज पहुंचे हैं तो पहली बार नोएडा में ऐसा हुआ है कि कोई सचिव गृह थाने पहुंचा और उसने इस तरीके की दिक्कतों को लोग देखा हो थाने की और उसके ऊपर रिपोर्ट तलब करी हो, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी समस्या है, अगर वहाँ पुलिसकर्मी रहते हैं अगर खस्ता हाल है तो जाहिर सी बात है कि हम। दानिश बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर अंबेडकर नगर से है जहाँ युवती के साथ कुछ बदमाशों ने सरेआम छेड़छाड़ की है जिसका वीडियो वायरल कर दिया गया है, विरोध करने पर युवती की जमकर पिटाई भी हुई है। अंबेडकर नगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां युवती के साथ कुछ बदमाशों ने सरेआम छेड़छाड़ की और उसका वीडियो तक वायरल कर दिया गया है, विरोध करने पर युवती की जमकर पिटाई भी हुई है, मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है, ये बड़ी खबर है। देखिए एक तरफ युवती से छेड़छाड़ हुई है, वीडियो तक वायरल कर दिया गया और विरोध करने पर युवती की पिटाई भी की गई है, मतलब हौसले बुलंद अपराधियों के युवती से हैवानियत हुई है। अंबेडकर नगर में बदमाशों की सरेआम युवती से हैवानियत। देखिए आप, युवती से हैवानियत हो रही है, गाली ग्लौज तक की जा रही है, सरेआम आप समझिए इन तस्वीरों को देखकर कि ये क्या विडंबना है कि एक युवती से पहले तो उससे बदतमीजी की गई, उसके साथ हैवानियत की गई, उसका वीडियो तक वायरल किया गया और जब इस युवती ने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई तक की गई, मतलब बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। एक तो वो उन्होंने एक ओछी हरकत की है, विरोध करने पर युवती की पिटाई तक हुई है, अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कुछ पूरा एक्शन। वेद प्रकाश हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। वेद, इस पूरे मसले में एक तो चीज साफ है कि बदमाशों के हौसले जबरदस्त बुलंद आ रहे हैं, युवती से छेड़छाड़ की गई, हैवानियत की गई, वीडियो तक वायरल की गई और पिटाई भी की गई है। जी बिल्कुल खुशबू, मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर नगर में कहीं ना कहीं काफी खौफ पूरी तरीके से खत्म हो गया, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ और सनसनीखेज वीडियो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल, कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार
यहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं है कि लड़कियां आज अगर घर से कहीं निकलती हैं तो उनके साथ बदतमीजी होती है, छेड़खानी होती है, और इतना ही नहीं बताया वीडियो बनाकर वायरल किया जाता है और पुलिस एक मूक दर्शक पूरी तरीके से पूरे मामले पर बनी हुई है। तो वेद, इस पूरे मामले में क्या कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि वीडियो इसमें तो साफ देख पा रहे हैं हम जो अपराधी है उनको। जी बिल्कुल, आपको बता दें अगर एक्शन वाली बात तो एक्शन अभी तक इस पूरे वीडियो पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। खुले आम छेड़खानी करने वाले आरोपी बकायदा घूम रहे हैं, उस वीडियो में बकायदा एक मोटरसाइकिल बगल पड़ी हुई है जो पूरी तरीके से दर्शा रहा है कि अंबेडकर नगर का वीडियो है, क्योंकि मोटरसाइकिल UP 45 Y 94 नंबर की मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि अंबेडकर नगर वीडियो। पुलिस पूरे मामले पर पूरी तरीके से अभी तक क्या इस युवती ने कोई रिपोर्ट लिखाई है, कुछ आगे इन्होंने अपने लिए कार्यवाही की है, वेद कुछ एक्शन लिया है इसने खुद के लिए? जी बिल्कुल खुदूल, मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए कार्रवाई की या फिर तहरीर की तो अभी पीड़ित तरफ से कोई भी तहरीर नहीं पड़ी हुई है। जी लेकिन वेद, ये अपने आप में काफी शर्मनाक है और इस प्रकार की हरकत जो की गई है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और व्यवस्था सब पर बहुत बड़ा सवाल है। बने रहिए वेद, बने रहिए आप हमारे साथ। वीरेन कुमार मिश्रा है, SP है अंबेडकर नगर से, बहुत बहुत स्वागत सर भारत समाचार पर। ये जो वीडियो सर आया इसके बारे में क्या कहेंगे, बदमाशों की बदसलूकी साफ साफ सामने आ रही है और वीडियो तक संज्ञान में आया है, ये संज्ञान में आया है, मोटरसाइकिल नंबर ट्रेस हो गया है, इससे कठोर कार्रवाई अमल दिलाई जा रही है। सर कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वीडियो में तो साफ अभी तत्काल कार्रवाई हो रही, तत्काल इसमें टाइम का कोई इश्यू ही नहीं है। सर हम क्या, भारत समाचार के दर्शक आपको सुन रहे हैं, हम कितना समय आप लेंगे इन अपराधियों को अंदर लेने के लिए? आपको तत्काल कार्रवाई हो रही, तत्काल कार्रवाई। सर इस तरह की घटना जो हो रही, कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद है, आपको बता दिया गया है तत्काल कार्रवाई हो रही है। कार्यवाही तो होगी, लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है सर, इससे ये तो साफ है ना कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आप बार बार उसी चीज को मत रिपीट कीजिए, जब आपको बता दिया तत्काल कार्रवाई हो रही है इससे। चलिए सर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर के पास शायद बहुत ज्यादा जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो यही कहेंगे कि कार्यवाही होगी, लेकिन जो हुआ है शायद उसके बारे में बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वेद आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए। गोंडा से खबर है जहां बच्चा चोरी के शक में महिला की पिटाई हुई है, ग्रामीणों ने महिला को पेड़ से बांधकर पीटा है, स्कूल की छुट्टी का समय पूछने पर पिटाई की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस, महिला को मुक्त कराया, पकड़ी गई महिला बताई जा रही है विक्षिप्त। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आप देखिए ये किस प्रकार से महिलाएं जो है वो जूते चप्पल तक से उन्हें पीट रही है। पुलिस ने 9 लोगों की गिरफ्तारी जरूर की है इस पूरे मामले में। नवाबगंज थाने के रेहली भाई लाल पुरवा का मामला है, बच्चा चोरी के शक में महिला की पिटाई हुई है। देखिए आप, जूते चप्पल से उसके मुंह पर मारा जा रहा है, थप्पड़बाजी भी हो रही है। राजेश हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। राजेश ये क्या पूरा मामला था, क्यों पिटाई की गई इसकी और क्या कुछ एक्शन हुआ इस पूरे मामले में? बिल्कुल, वो आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस चीज की चर्चा चल रही थी कि कोई बच्चा चोर गिरोह है जिसमें 3 महिलाएं हैं और वो बच्चों को चोरी कर लेती हैं, जिसकी अफवाह पिछले कई दिनों से यहाँ पर फैली हुई थी, जिसको लेकर के कल 3 लोगों का गिरोह जो था वो इधर कहीं लोगों को दिखाई दिया और उसमें से एक महिला ने जब जिस तरह स्कूल की छुट्टी होने वाली थी उसका समय पूछा कि स्कूल छुट्टी कितने बजे होगी, तो इसके बाद वो महिला घर जाती है, अपने परिवार के लोगों को बताती है, तो वहां से वो लोग महिला का पीछा करते हैं। वो एक पेड़ की आग में बाघ में छुपी रहती है जहां से उसको पकड़ के लाया जाता है और पेड़ में बांध करके उसकी चप्पलों से पिटाई की जाती है। इस मामले में जब पुलिस को पता चलता है तो मौके पहुंचती है, जांच करती है। राजेश ये भी कहा जा रहा है कि ये विक्षिप्त है, इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? जी ये बाद में जब उसकी पूरे मामले की जांच की पुलिस ने तो पता ये चला कि ये तलाकशुदा विक्षिप्त महिला है और इसका इलाज चल रहा है और उसके घर वालों ने आकर के जब पूरी कहानी बताई पुलिस को तब जाकर के पुलिस ने उसकी तहरीर से मुकदमा दर्ज किया और 9 लोग अब तक इस पूरे मामले में अरेस्ट किए गए हैं जी, जिनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। जी जी बिल्कुल राजेश, कहीं ना कहीं देखिए ये जो अफवाह होती है इसी की वजह से कोई बहुत बड़ी घटना भी हो जाती है। अक्सर भारत समाचार के दर्शकों से हम अपील करते हैं कि इस तरह की अफवाह पर कभी ध्यान ना दे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कानपुर से खबर है जहां कानपुर में सेक्स रैकेट पर पुलिस कई छापेमारी हुई, हॉस्टल के आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। कानपुर में सेक्स रैकेट पर पुलिस का छापा, हॉस्टल की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। स्थानीय लोगों की शिकायत पर छापेमारी, 7 लड़कियां 6 लड़के अश्लील हालत में मिले। स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह छापेमारी हुई है, 7 लड़कियां और 6 लड़के अश्लील हालत में मिले हैं। काकादेव क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं सभी आरोपी, हॉस्टल में रहकर तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करते हैं। कल्याणपुर क्षेत्र के तुलसी नगर का ये पूरा मामला है।
क्षेत्रीय लोगों की शिकायत पर देखिए सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सेक्स रैकेट पर पुलिस की छापेमारी हुई है। 7 लड़के 6 लड़कियों को पकड़ा गया है। हॉस्टल की आड़ में चल रहा था ये रैकेट। भारत समाचार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने कदम उठाया छापेमारी की। अवनीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। अवनीश सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, सबसे बड़ी बात यह कि हॉस्टल की आड़ में चल रहा था ये रैकेट। देखिए काकादेव कोचिंग मंडी है और यहाँ पर कई जनपदों के कई राज्यों के बच्चे यहाँ पर इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने आते हैं, वहीं पर ये इस तरह का आधा कारोबार चल रहा था। कहीं ना कहीं पुलिस बिना जानकारी के सब नहीं संभव था और जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक बात आई सामने की कोचिंग मंडी जहाँ पर छत पढ़ने आते वहाँ पर चल रहा था। तो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनका क्या कुछ कहना है अवनीश इस पूरे मामले में? वो तो अपने आप बिल्कुल निर्दोष बता रहे हैं, उन्होंने ये कहना कि हम लोग इस पर सेंटर चला रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर शाहजहांपुर से है जहां नवविवाहिता दंपति को बदमाशों ने गोली मार दी। घटना थाना खुटार क्षेत्र के नवादिया गांव के पास की है। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। गोली लगने से पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी खुटार थाने के एक गांव के अंतर्गत एक व्यक्ति ने गोली चलाई है, उसमें एक महिला का मृत्यु हुआ है। तो इस संबंध में और उनके पति को कोने पे हाथ पे लगी है, इंजरी हुआ है। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त का गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किया गया है और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इन्होंने रास्ते से आ रहे थे, ठीक रास्ते में दोनों लोगों ने 4 लोग थे उन्हें फेर मार दी, बहुत तुरंत खत्म हो गई। जो भैया की हालत सीरियस है। खबर लखनऊ से जहां पर 6 दिन से लापता युवती का शव बरामद किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोरावा बछरावा सीमा से शव बरामद किया गया है। लापता युवती का 6 दिन से ये युवती लापता थी जिसका शव बरामद किया गया है। तो बड़ा सवाल है युवती का हत्यारा कौन है। लापता युवती का शव बरामद किया गया है। 6 दिनों से लापता थी ये युवती जिसका शव बरामद किया गया है। अब मोरावा बछरावा सीमा से शव को बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया है। अब देखना यह होगा कि जब ये आरोपी पकड़े गए और इनसे पूछताछ होगी तो आखिर किस वजह से किस कारण से इस युवती की हत्या की है इन आरोपियों ने, यह बड़ा सवाल है। 6 दिन से लापता थी ये युवती जिसका शव, युवती को तो नहीं लेकिन उसके शव को बरामद किया गया है। अनूप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। अनूप 6 दिनों से लापता थी ये युवती, 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और शव को बरामद किया है पुलिस ने, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्यों मारा गया इस युवती को? देखिए आपको बता दूं कि जो अभी गिरफ्तार किए गए हैं ये और जो युवती है वो अमित इंफ्रा हाइट्स में जो है दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का साथ में काम करते थे। बीते 3 तारीख को जो है इसको जो है प्रॉपर्टी का झांसा दे करके जो है यहाँ से सीधे रायबरेली ले जाया गया है। टाटा जेस्ट जो कार थी उसमें ले जाया गया। यहाँ पे 3 लाख रुपए का विवाद था दोनों के बीच, जिसके बाद जो है जब कहा सुनी हुई है तो गाड़ी में ही जो है आरोपियों ने जो है पहले महिला की हत्या की है उसके बाद शव को जो है रायबरेली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। गोरखपुर में श्रद्धालुओं से मारपीट हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, 1 का सिर फटा है। मौके पर प्रभारी चौरी चौरा मौजूद, 1 घायल युवक की पिस्टल भी गायब हुई थी। आप देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां गोरखपुर में श्रद्धालुओं से मारपीट हुई है। ये आप तस्वीरों को देखिए, कई लोग घायल हुए हैं, 1 का सिर भी फटा है। अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि मौके पर प्रभारी चौरी चौरा मौजूद है, 1 घायल युवक की पिस्टल भी गायब हुई थी। ये तस्वीरें देखिए आप, मौके पर प्रभारी चौरी चौरा मौजूद।
खबर आजमगढ़ से है, जहां लोगों ने गांव के ग्राम प्रधान के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान ग्राम प्रधान के बेटे सहित दोनों पक्षों में एक दर्जन लोग घायल हो गए। ग्राम प्रधान के बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, विकास कार्यों की जांच के दौरान लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। सूचना के बाद पहुंचे प्रधान वहां पर। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी, जिनकी अदाओं का हर कोई कायल है, वहीं सपना अब किसी और की होने जा रही है। जी हां, यकीन नहीं आ रहा, तो चलिए जाते जाते आपको खुद छोड़ जाते हैं एक रिपोर्ट के साथ, आप भी देखिए। डांसिंग क्वीन को मिला दूल्हा।